हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रियल नंबर्स, उस चैप्टर को मैं बार समझाऊंगा। पहले उसकी थ्योरी और उसके बाद एक दो सम मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो रियल नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी, स्कूल में जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी। ये रियल नंबर्स 9th क्लास में हम लोग जो नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़े थे उसी का ये एक्सपेंडेड पार्ट है। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और सबको मिला देंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जब 0, नेचुरल नंबर में 0 जब ऐड हो जाता है तो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर विद 0 इज नोन एज होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। इंटीजर, होल नंबर विद नेगेटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर। नेगेटिव नंबर के साथ जो होल नंबर का ग्रुप बनेगा उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 इंटीजर। 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 है नो साइन। बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका नेगेटिव होता है और जितने भी नेगेटिव हैं उसके पॉजिटिव होते हैं। रेशनल नंबर, जो नंबर रेशियो के फॉर्म में हो, ए अपॉन बी के फॉर्म में हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो जितने भी ये नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर जो हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, जब लिखे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सभी नंबर जो हैं ए अपॉन बी के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसलिए सारे रेशनल नंबर्स हैं। कंडीशन है कि ये बी जो है यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर जो होता है उस सबका कलेक्शन, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को मिला करके रियल नंबर बनता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, पी अपॉन क्यू के रूप में रेशियो के फॉर्म में जो नहीं लिखा जाए उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। दैट नंबर वो कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी इज नोन एज इरेशनल नंबर। जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट हैं सब इरेशनल नंबर होते हैं, पाई, ई या 0.20, 200, 000, सो ऑन। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नंबर, जिस नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर हमारा होता है। एक चीज और है कि जिस नंबर का स्क्वायर, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर हो वही रियल नंबर होता है। रियल नंबर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस नंबर का स्क्वायर यदि पॉजिटिव नंबर आ जाए वो रियल नंबर होगा, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर नहीं होगा वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे
टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर इसका भी 9 हो जाएगा। लेकिन यदि रूट माइनस 1 का स्क्वायर हम करें तो क्या होगा, क्या होगा इसका? रूट माइनस का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, आ जाएगा माइनस 1। हमने क्या कहा कि जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आए वो रियल नंबर होगा, इसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर आ रहा है इसलिए रूट माइनस 1 इज नॉट अ रियल नंबर। रूट माइनस 1 रियल नंबर नहीं है। आप लोग 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, रूट माइनस 1 को आई से, इसको आयोटा पढ़ते हैं। आई मीन्स इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आए वो रियल नंबर होगा, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर नहीं आए वो अनरियल यानी इमेजिनरी होगा। अब जब हम आते हैं कि इस चैप्टर में दो रूल्स पढ़ने हम लोगों को, एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस चैप्टर से हमारे बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दो चीज है पढ़ना हम लोगों को, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यूक्लिड डिवीजन लेमा किस में यूज होता है, क्या काम है उसका? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज जो होता है हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। और एक दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम, ये जो एलसीएम, इसको इसका यूज हमारा एलसीएम फाइंड करने के लिए होता है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद मैं दो सवाल और बताऊंगा।